Hello dear student, I hope you all are fine. In this video, we are going to start our new topic laws of reflection. Dear student, इसमें हम law of reflection के बारे में पढ़ेंगे. Previous video में मैंने आपको बताया था, ये एक हमारे पास mirror की एक surface है, ठीक है? तो जो fall करती है light, उसको बोलते हैं हम incident ray. एंड जो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे. और जो इन दोनों रे के बीच से बिल्कुल बीच से पास होती है उसको बोलते हैं हम नॉर्मल रे. ओके, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ये होती हैं. और जो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आई, यानी इंसिडेंट एंगल. और जो एंगल इन दोनों के बीच में बनता है उसको बोलते हैं एंगल आर, एंगल आर यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल. इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे. ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी की सभी सेम प्लेन पर लाई करती है. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी की सभी सेम प्लेन के अंदर लाई करती हैं. उसके बाद फर्स्ट रो क्या है, मतलब इसका क्या है, इंसिडेंट रे ये वाली और रिफ्लेक्टेड ये और नॉर्मल सभी के सभी एक प्लेन पे लाई करेंगे, मतलब एक प्लेन पे हैं सभी, इंसिडेंट भी यहीं पे है, रिफ्लेक्टेड भी, नॉर्मल भी. ऐसा नहीं इंसिडेंट यहाँ से आई, रिफ्लेक्टेड उधर से गई, नॉर्मल इधर से, नहीं, सभी के सभी एक प्लेन पे लाई करेंगी. सेकंड, बहुत इजी एंड बहुत इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के. यानी कि अगर कोई लाइट 30 डिग्री के एंगल पर स्ट्राइक करती है तो वो 30 डिग्री के एंगल पर ही रिफ्लेक्ट करती है, यानी एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है. तो ये दो लॉ हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी एक प्लेन पर लाई करती हैं. नेक्स्ट है एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है. ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया. उसके बाद बच्चों ये पूछा हुआ है इसने, व्हाट हैपन, क्या होगा व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर. क्या होगा जब एक रे ऑफ लाइट फॉल करेगी, गिरेगी नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, सरफेस ऑफ मिरर के नॉर्मली. यानी अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे नॉर्मली जाएगी, ऐसे जाएगी नॉर्मली, तो ना ही इंसिडेंट एंगल होगा और ना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा. तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बिकम्स जीरो, विल बिकम्स जीरो. एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड विल बिकम्स जीरो. क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट हैपन, क्या होगा व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली, जब रे ऑफ लाइट फॉल करेगी, गिरेगी नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर. तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड जीरो हो जाएंगे, बस यही इसका मीनिंग है. बस बच्चों उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन की. रेगुलर एंड डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन, बच्चों इससे आसान कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता. रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन, जैसे ये है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन ये प्लेन सरफेस पे होगा, सभी लाइट आई एक डायरेक्शन में जाएंगी, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट आई, एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट आई, एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट आई और एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई. डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट आई इस साइड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट, आई इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, ऐसे ऐसे. रेगुलर में क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी. और इरेगुलर में, डिफ्यूज़ में क्या होगा, इसको इरेगुलर भी बोल सकते हैं. इरेगुलर या डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में, इधर भी कहीं पर भी जा सकती हैं. ओके, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है और ये क्या हो गया हमारा, डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन हो गया. सो यही है हमारे पॉइंट. उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस, वो हम नई वीडियो में करेंगे. जिन बच्चों ने वीडियो जूम ऐप पर ले ली क्लास, वो वीडियो भी ज़रूर देखे, आपका रिवाइज हो जाएगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.